नागौर जिले के लाडमो उपखंड के क्षेत्र में खेत पर जा रही दो लड़कियों पर चाकुओं से हमला कर दिया कुछ अज्ञात लोगों ने, जिसमें एक लड़की के इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरी की हालत गंभीर है। सूचना के बाद डिडवाना के डिप्टी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर रहे हैं। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड पर फॉर्चूनर हुंडई शोरूम के बाहर शोरूम का गेट बंद करके दर्जनों लोगों ने हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इसमें शोरूम की गलती है, जो आपका इंश्योरेंस जीरो डैप का दे रखा है और आपका काम नहीं कर रहे, और हमारी इंश्योरेंस की गलती है। अगर इसमें कस्टमर मान लिया खुदा ना खास्ता उसके दोनों एयरबैग में मर जाता तो मेरा क्या होता है, मेरे परिवार का क्या होता है। अब ये गाड़ी में काम शुरू नहीं कर रहे, कभी दो दिन कभी चार दिन, सितंबर पूरा पी गया इसी मैटर में। अभी मैं आया था, आज मेरे को एक हफ्ता बीत गया, अभी मेरे को एक घंटे शाम के 5:30 7:30 8:30, मतलब दिनों से घंटों से मिनटों पे समय करते करते रात को ये बोल रहे हैं कि 50% आप दे दो और 50% इंश्योरेंस कंपनी। अरे जब तुम जीरो डैप के मेरे से पैसे ले रहे हो, 50% पैसे काय बात की मांग रहे हो भाई? जीरो डैप के पैसे फाइल चार्ज देना हो जाएगा 1100 रुपए 1000 रुपए। मेरा नाम योगिंदर कुमार सनोप श्री प्रीतम सिंह ग्राम गगोर। डायमैन ने पहले मेरी गाड़ी 31 जुलाई को जुल्लापुर बाईपास पर एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट के बाद मैंने गाड़ी अपने हुंडई प्रतापपुर फॉर्चून हुंडई में डाल दी शोरूम में रिपेयर के लिए। इन लोगों ने मुझे कहा पेपर सबमिट करा दो, आपकी जीरो डैप पॉलिसी है तो आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। डायमैन ने मुझे चक्कर लगाते लगाते हो गए, 3 बार मेरी छुट्टी खत्म हो गई, छुट्टी काट के मैं चला गया। मुझे बोलते हैं कभी 2 दिन कभी 4 दिन कभी 6 दिन, अभी तक गाड़ी इन्होंने मेरी रिपेयर नहीं की। बीच में मेरे से इनके सर्वेर ने 1 लाख रुपए मांगे रिश्वत के, बोला मैं गाड़ी आपकी ठीक करा दूंगा। क्या नाम है सर्वेर का? उसका सर्वेर का नाम इनके पास है, इन्होंने नाम नहीं बताया। किस विभाग में? गाजियाबाद समेत दिल्ली NCR के लाखों लोगों को आज बड़ा तोहफा मिला है। आज गाजियाबाद के हिंडनविल स्टेशन से पहली बार फ्लाइट उत्तराखंड पिथौरागढ़ के लिए उड़ान। इसी दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सहित समेत काफी लोग मौजूद रहे।
राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई है, वो सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिविल एयरपोर्ट से अपने पिथौरागढ़ जा रहे हैं, कैसा फील है सर? बहुत अच्छा, एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए कन्वीनियंट हो गया ट्रैवल करना। अदरवाइज बस से या कैब से जाना बहुत लंबा पड़ता था, 16-17 घंटे ट्रैवलिंग, हॉस्पिटल आ गई अलग से जा रहे हैं, काफ़ी दिक्कत। बाकी स्टेट से भी जोड़ा जाएगा, बाकी सिटीज, तो कैसा लग रहा है? ट्रैवलिंग ईजी हो जाएगी, सोचना कम पड़ेगा और कन्वीनियंट रहेगा ट्रैवल करने के लिए। जनपद हरदोई के पंजिया में सोशल जंक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत महावीर जी जागरूकता एवं स्वच्छता के प्रति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ से आई हुई महिला बाल विभाग के अधिकारी गणों ने जानकारी दी। फिरोजाबाद में सन 1992 से मनाते आ रहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस में आज जिला चिकित्सालय CMO ने फीता काट कर उद्घाटन किया। फिर उन्होंने माँ सरस्वती के चरणों में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। एक्चुअल में आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और पूरे विश्व में 1992 से ही ये मनाया जा रहा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और 1994 तक तो विदाउट थीम मनाया जाता था, अब ये थीम मनाया जाने लगा है। तो इस बार जैसा कि हमारे CMO सर ने बताया कि थीम यही है कि हम लोग इसके मानसिक रोगों के प्रति जनता को अवेयर करें, ताकि ये गवर्नमेंट भी इस प्रोग्राम को पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और जनता में बढ़ रही सुसाइड की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोगों के ऊपर काम का बर्डन काफ़ी बढ़ रहा है, तमाम तरह के तनाव बढ़ रहे हैं, आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से मानसिक रोगों की काफ़ी संख्या में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं और लोग आज तनाव में रहने लगे हैं। तो उस तनाव को हमें कम करना है, सोसाइटी को हमें बताना है कि लाइफ जो है कार्य करने के लिए भी है और एन्जॉय करने के लिए भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर की परिभाषा ही होती है कि जब तक उसमें स्वस्थ दिमाग ना हो, मानसिक रूप से व्यक्ति स्ट्रांग ना हो, तब तक हम उसे स्वस्थ नहीं कह सकते। केवल कोई बीमारी ना होना स्वस्थ नहीं है, बल्कि हमें सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सोशल रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो हम लोगों का संदेश यही है कि प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम ठीक से करें और मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रहें। तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको लगता है मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसे सहारा दें, और लगता है कि उसे उपचार की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा तमाम सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे जिला चिकित्सालय में भी मानसिक रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं, एक मन कक्ष है जहाँ पर कि हम काउंसलर बिठाते हैं, जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है, तो अगर आप किसी के सामने अपने मन की सारी बात कह देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ मन कक्ष की व्यवस्था है, हमारे यहाँ दवाएँ हैं, उपचार के लिए साइकेट्रिस्ट है, पूरी टीम है, जनता उसकी सेवाएँ ले सकती है। देखिए, आज ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और इसमें हमारा आज का जो थीम है, आओ मिलकर आत्महत्या होने से रोकें। तो क्योंकि आत्महत्या की प्रवृत्ति लोगों में काफ़ी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन के कारण बहुत सारे कारण हैं, तो विश्व मानसिक जो संस्था है उसने इस पर निर्णय लिया है, आज हम जनता को जागृत करें कि वो जो इसके कारण हैं उनको खोजें, उन पर विचार करें और आत्महत्या की प्रवृत्ति को कम करें। आज एक्चुअली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, जो कि
आज मनाया गया है इसको, इस बार को सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो आत्महत्याएं हो रही हैं इसको मेन फोकस किया गया है, और इसमें जो मेन एज है वो 15 to 29 ईयर्स है। और भी एज में मिलता है डिप्रेशन, ऐसी बात नहीं है, ओल्ड एज डिप्रेशन भी है और यंग एज में, मिडिल एज में भी डिप्रेशन है, बट द मेन सुसाइडल्स हो रहे हैं वो करीबन 800,000 सुसाइड्स हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसको मेन अवेयर करना है। जो हमारे आजकल के लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हैं इसने शायद लोगों के बीच में दूरी बढ़ा दी है, माता पिता बच्चों में दूरी बढ़ा दी है। तो हम लोग को मेन फोकस ये करना है कि जो बच्चे हैं उनके साथ हम अधिक से अधिक समय बिताएं, जिससे कि बच्चों में हम कॉन्फिडेंस आए, माँ बाप को और हमें सब बातें बताएं। तो आज हमने ANMs को, स्कूल टीचर्स को अवेयर किया कि वो गांव-गांव में जाती हैं तो वो बातें करें और सबको ये बताएं कि हम फिजूल बातों में टाइम ना खर्च करके अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको प्रेरित करें कि वो जो है जो भी काम करें उसमें उनको उत्साहित करें। और अगर बच्चे में कोई मेंटल डिप्रेशन का कोई भाव लगता है तो तुरंत आके डॉक्टर्स को दिखाएं, जिससे शुरू में ही उसका कंट्रोल हो सके। और बच्चे गलत नहीं होते हैं, इस बात को माता पिता समझें और उनको अधिक से अधिक टाइम देकर उनको इस चीज़ को रोकने से बचें।